आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू फाइंड अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट लोकेशन, मतलब कि अंडरग्राउंड केबल कहां से खराब है, यह हम कैसे पता करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करने वाले हैं वह आप सिर्फ एक इस इमेज से समझ सकते हैं। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं एक जो केबल है, इस केबल को अंडरग्राउंड डाला गया है, मतलब जमीन के अंदर यह केबल है। अब इसके बाद में यह केबल हमारी बीच में से कट गई है। अब इस केबल के कट जाने के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है वह आगे नहीं जा पा रही है। तो अब इस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आगे भेजने के लिए हमें इस केबल को वापस से ज्वाइन करना होगा, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आगे जा पाएगी। तो अभी इस केस में हमारे सामने सवाल यही आता है कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े ग्राउंड के अंदर हमारी केबल किस जगह पे डिस्कनेक्ट हुई है, हम किस जगह खड्डे को खोदकर केबल को ज्वाइन करके वापस से खड्डे को भरे ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल की पावर ट्रांसफर हो सके। तो आखिरकार इस तरीके के फॉल्ट को प्रैक्टिकल किस तरीके से ढूंढा जाता है, वही आज के इस वीडियो के हम जान लेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को ढूंढने के कई सारे तरीके होते हैं। इसमें से अगर मुख्य तरीकों की बात करें तो सबसे मुख्य जो आता है वो आता है केबल थंपिंग। इसके अलावा TDR मेथड से भी अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को ढूंढा जाता है, और साथ ही साथ हाई वोल्टेज के रडार मेथड को भी उपयोग में लेके केबल के फॉल्ट को ढूंढा जाता है। वैसे दोस्तों, इन तीन के अलावा और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम मेगर की मदद से भी अंडरग्राउंड केबल की एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। लेकिन मेगर के केस में समस्या ये आती है कि अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करना चाहते हैं, मतलब कि ये केबल इतनी लंबी है, हमको बिल्कुल एग्जैक्ट पता करना है कि आखिर का फॉल्ट इस जगह है या इस जगह, तो उस चीज को अगर हम मेगर से पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। वो उस चीज में माहिर होते हैं, यह सब टेक्निकल आदमी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम सबसे इजीएस्ट मेथड और कंपनी में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले मेथड केबल थंपिंग के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार ये केबल थंपिंग क्या है और इस मेथड के अंदर हम कैसे अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को ढूंढ पाते हैं। तो दोस्तों, थंपिंग मेथड से केबल को फाइंड करने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीन को इंडस्ट्री में उपयोग लिया जाता है। अभी आप सभी के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये थंपिंग मेथड क्या है, थंपिंग मेथड का मतलब क्या है। तो दोस्तों, थंपिंग मेथड को थंपिंग साउंड मेथड भी कहा जाता है। अगर आप इसमें अभी कंफ्यूज रहे हो कि आखिरकार थंपिंग साउंड का मतलब क्या है, तो इसे आप हिंदी में जान लेंगे तो ये काफी ज्यादा आसान है। थंपिंग का मतलब होता है जबरदस्त, मतलब काफी ज्यादा तेज, और साउंड का मतलब हो गया आवाज। मतलब कि थंपिंग मेथड के अंदर हम एक जबरदस्त आवाज से इलेक्ट्रिकल केबल के फॉल्ट को लोकेट कर पाते हैं, उसको ढूंढ पाते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों, नेक्स्ट हम यह बात करते हैं कि आखिरकार इस मशीन का कैसे उपयोग करते हैं केबल को फाइंड करने के लिए। तो यह फाइंड करना काफी ज्यादा आसान है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास में 3 कोर अंडरग्राउंड केबल डली हुई है। इसमें से हमारी ये बीच वाली जो केबल है, यह केबल बीच में से हमारी कट चुकी है। अब दोस्तों, इस केबल में यहाँ पे फॉल्ट हो जाने के बाद में हमको क्या करना होता है, हम हमारी इस FLC मशीन, मतलब कि केबल फॉल्ट लोकेटर मशीन को लेके आते हैं, और हमारी इस मशीन के अंदर 2 इनपुट के वायर और 2 आउटपुट के वायर होते हैं। इनपुट वायर में हम इसके अंदर इनपुट सप्लाई देते हैं जो कि लगभग 220 वोल्टेज एवरेज होती है मशीन के अंदर, और आउटपुट से हमें क्या मिलता है, तो इस मशीन के आउटपुट से दोस्तों हमें DC सर्ज वोल्टेज मिलता है। अब कई लोग इस सर्ज वर्ड और DC वर्ड से कंफ्यूज होंगे, तो सबसे पहले चीज DC तो हमें पता है DC करंट है, और यहाँ पे एक और चीज आती है सर्ज, ये इलेक्ट्रिकल में भी काफी ज्यादा सुनाई देता है। तो सर्ज का मतलब दोस्तों काफी सिंपल सी चीज होती है। सर्ज का मतलब सिंपल सा इतना है कि एकदम से बढ़ जाना, मतलब कि यह जो हमारी मशीन होती है, यह मशीन एकदम से हमारी DC सप्लाई को बढ़ाकर हमें देती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मशीन के आउटपुट से हमें टोटल 2 वायर मिलते हैं। इन दोनों में से जो एक पॉजिटिव वायर होता है, जो हमारा DC का पॉजिटिव वायर है, उस वायर को तो हम हमारी जो केबल डैमेज है बीच में से, उस केबल पे लाके जोड़ देते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चल गया कि हमारी यही केबल बीच में टूटी हुई है, ये भी टूट सकती है और ये भी टूट सकती है। तो दोस्तों, हमारी केबल कौन सी ब्रेक है, इसको चेक करने कई सारे मेथड है। हम यहाँ पे टेस्ट लैम्प की मदद से भी चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी कौन सी केबल खराब है, कौन सी केबल में फॉल्ट है। अगर आपको इससे जुड़ा सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आखिरकार हमारी कौन सी केबल डैमेज है 3 कोर में, उसे हम कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी इस मशीन से जो पॉजिटिव वायर निकला था उसे हमने हमारे फॉल्टी केबल पे लाके जोड़ दिया है। इस वायर को जोड़ने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना है, हमारी जो दोनों केबल है, एक साइड हमने यहाँ पे सप्लाई जोड़ रखी होगी और दूसरी साइड हमने यहाँ पे लोड जोड़ रखा होगा। तो जब भी हम इस थंपिंग मेथड को अपनाते हैं तो उस समय हम सबसे पहले इस केबल से, हमारी जो ये केबल है 3 कोर की, इस केबल से हमारे लोड को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब कि इस वायर को इधर से भी ओपन कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हमारे इन तीनों वायर को ओपन कर देते हैं। दोनों साइड पे हमें ना तो कोई पावर सप्लाई कनेक्ट करनी होती है और ना ही हमको किसी लोड को जोड़ के रखना होता है। तो हमारी दोनों साइड से केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद में हम सबसे पहले हमारी फॉल्टी केबल पे पॉजिटिव जोड़ देते हैं, और जो दूसरी केबल इस मशीन से निकलती है उसे हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं, मतलब कि जमीन से जोड़ देते हैं। और अगर हमारी जो केबल अगर आर्मर्ड है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे जो इस केबल का आर्मर्ड होता है उस आर्मर्ड से ही हमारे इस ग्राउंड वाले वायर को जोड़ देते हैं।
अब दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन करने के बारे में नेक्स्ट चीज क्या होती है, तो इस मशीन को ऑन करके इस मशीन से काफी ज्यादा हाई डीसी सर्ज वोल्टेज इस केबल के अंदर फ्लो कराते हैं। डीसी सर्ज वोल्टेज का मतलब काफी ज्यादा मात्रा के अंदर डीसी सप्लाई को इस पॉजिटिव वायर के थ्रू भेजा जाता है। अगर हम एवरेज बात करें तो ये लगभग 25 केवी के आसपास का डीसी वोल्टेज भेजा जाता है। वैसे कई सारी मशीनों में इसका कम का भी हो सकता है, आपको 5-8 केवी का मतलब 5-8 हजार वोल्टेज और अधिकतर 32 हजार डीसी वोल्टेज तक की भी मशीनें मार्केट के अंदर उपलब्ध होती है। तो आपको तो अभी सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि इस प्लस वायर से हम डीसी सर्ज वोल्टेज भेजते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट काम आ जाता है इस डीजी फोन, और ये हमारा जो ये पूरा सेटअप है इस पूरे सेटअप का काम आ जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहली ये आपको एक हेडफोन दिख रहा है, इसे हम डीजी फोन या फिर हमारे डीओ फोन के नाम से जानते हैं। अगर हमारा कभी कोई ये फॉल्ट काफी ज्यादा छोटा होता है तो उस समय हमें इस डीजी फोन की आवश्यकता होती है। इस डीजी फोन की मदद से हम साउंड को चेक करते हैं कि आखिरकार किस जगह साउंड होती है, आखिरकार सिस्टम कैसे काम करता है। तो सिंपल सा है, हमने सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट कराया, इसके बाद में हम इस रोड और इस मशीन को लेके हमारी जिस ग्राउंड पे केबल बिछी हुई है उस जगह लेकर चलते हैं, और उसके बाद में हमारा जो मीटर होता है इस मीटर के अंदर हमको लेवल भी इंडिकेट होता रहता है कि आखिरकार इस जगह हमारी जो केबल है उस केबल में सर्ज आ रहे नहीं आ रहे, इस जगह आ रहे नहीं रहे। उसकी मदद से भी हमें हमारी केबल की लोकेशन पता चलती है और हम लोकेट केबल पे आगे चलते रहते हैं। और जैसे हम इस तरीके से इस ग्राउंड पे चलते रहते हैं और जिस जगह हमारा फॉल्ट होता है अगर हम उस जगह पहुंच जाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी जो मशीन होती है इस मशीन के अंदर हमको सर्ज दिखने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस मशीन के अलावा भी अगर हमारा फॉल्ट बड़ा है तो उस समय हम हमारी नॉर्मल आवाज से भी इस जगह काफी ज्यादा तेज साउंड सुन सकते हैं। इस समय क्या होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा हाई डीसी वोल्टेज देने के कारण हमारी केबल फॉल्ट की जगह पे काफी ज्यादा आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क मतलब हमारी चिंगारी प्रोड्यूस होती है, और उस चिंगारी के काफी ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण हमें काफी ज्यादा तेज साउंड सुनाई देता है, और वह जो साउंड होता है उसे ही हम थंपिंग साउंड बोलते हैं। तो उसी थंपिंग साउंड को सुनकर ही हमारी इस केबल के फॉल्ट को हम ढूंढ लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कभी कभी हमारा जो फॉल्ट होता है वो फॉल्ट काफी ज्यादा छोटा होता है, उसके कारण वो जो साउंड होती है जो थंपिंग साउंड होती है वो काफी ज्यादा तेज सुनाई नहीं देती। तो उस केस में इस हेडफोन का उपयोग लिया जाता है। तो यह जो हेडफोन मतलब कि हमारा डीओ फोन होता है, इस डीओ फोन की मदद से काफी कम थंपिंग साउंड को भी काफी लाउडली सुन पाते हैं। तो दोस्तों इस सिंपल से थंपिंग मेथड की मदद से हम हमारी अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को आसानी से ढूंढ पाते हैं। और इस थंपिंग मेथड से फॉल्ट को ढूंढने का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि यह जो मेथड है यह मेथड काफी ज्यादा आसान है। इस मेथड से एक नॉर्मल इंसान भी अंडरग्राउंड केबल के फॉल्ट को लोकेट कर सकता है। साथ ही साथ एक और सबसे अच्छी चीज है कि इस थंपिंग मेथड की मदद से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि आखिरकार हमारी केबल में फॉल्ट किस जगह पर है। लेकिन साथ ही इस थंपिंग मेथड का एक नुकसान भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या नुकसान है, तो वह नुकसान सिर्फ एक यही है कि अगर कहीं पर अंडरग्राउंड केबल काफी लंबी दूरी तक बिछी हुई है तो उस केस में हमें यहाँ पे डीजी फोन इस रोड को इन सबको लेके एक एक जगह पर चलना होगा। तो यही एक मेजर नुकसान है थंपिंग मेथड का, अगर केबल काफी ज्यादा लंबी डिस्टेंस में बिछी हुई होती है तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि इस थंपिंग केस में हमें जमीन पर धीरे धीरे चल के केबल के फॉल्ट को ढूंढना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।